एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज ना मैं इतने दिनों बाद आप सबके सामने आई हूँ और ना मेरे को मेरी कज़न्स फ्रेंड्स बोल रही थी, यार तेरा व्लॉग नहीं आ रहा, तेरा व्लॉग नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, रीज़न पूछ रहे थे मुझे। अब मैं उनको क्या बताऊँ भाई, सर्दी इतनी स्टार्ट हो गई है, कंबल से मेरा उठने का मन नहीं करता है, तो फ़ोन पकड़ के वीडियो कौन रिकॉर्ड करेगा। तो बस यही एक रीज़न था मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, लेकिन आज मैंने बोला नहीं भाई, अपनी यूट्यूब फैमिली को, प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को एक मैं एक अपडेट दे दूँ मैं क्यों वीडियो नहीं बना रही थी। और साथ में मैं ना अभी बनाने जा रही थी हरी चटनी, और हरी चटनी ना मेरे घर में जो भी आता है सारे बोलते हैं बहुत टेस्टी बनाई है, बहुत टेस्टी बनाई, इसमें क्या डालना, रेसिपी बताओ कैसी है, कैसे बनाई है। तो मैंने बोला एक तो मैं वो भी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं ना एक बार बनाती हूँ, मेरी ना हफ्ता एक चलती है, तो वही मैं अभी बनाने जा रही थी और मैं उसकी रेसिपी भी आपको दिखाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। चलो अभी मेरे साथ किचन में चलते हैं हम। हरी चटनी बनाने के लिए मैं अभी किचन में आ गई हूँ। इसके लिए हमें चाहिए धनिया, तो मैंने एक गुच्छी धनिया ली थी, और हमें चाहिए पुदीना, वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने लिया हुआ है। ये देखो, तो ये ना मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको, और इतना हमने लिया है पुदीना। अब ना इसमें से छांट लें गंदा वाला, अच्छा वाला, अच्छे से धनिया मैंने छांट लिया। अब मैं क्या करती हूँ, इजीली क्या करती हूँ, ऐसे करके कट कर देती हूँ, तो ये साफ हो जाता है, और जो गंदा फंदा पत्ता होता है वो तो मैं देख के निकाल देती हूँ। और ये हो गया जी मेरा पुदीना भी साफ और धनिया भी साफ। अब इसको हमने कर देना है वॉश, ठीक है। साथ में हमें चाहिए इसके लिए ग्रीन चिलीज, तो चार पाँच छः इतनी डाल देती हूँ, है ना, छः दो और डाल देती हूँ, इसमें ना थोड़ी तीखी तीखी हो तो अच्छी लगती है। और डाल दो इतनी ग्रीन चिलीज, इनको मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ। और हम इसमें डालेंगे इतना सा, सिर्फ इतना सा लहसुन, ज़्यादा नहीं। देख लो छोटे छोटे पीसेस थे, तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीसेस डाल दिए, तो मोटे होंगे किसी के तो 3 ही डालना, और पतले होंगे तो थोड़े बढ़ा देना। और साथ में ये है अनारदाना, ये ना मतलब देखो कितना कम लिया है मैंने। अगर ना ये इसे अनारदाना अगर कम रहता है ना ये ज़्यादा प्रेशर से पानी आ गया, तो कोई बात नहीं, इतना गिर भी है कुछ नहीं होता। मतलब अनारदाना, जैसे हम लोग अनारदाने की चटनी बनाते हैं और अनारदाना ज़्यादा डालते हैं ना, वैसे जब हम चटनी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है और उतनी अच्छी नहीं लगती। और अगर धनिया की चटनी में हमने अनारदाना या कुछ खटास नहीं डाली हो ना, तो भी चटनी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने ना ये मैं पहले क्या करती थी, ज़्यादा अनारदाना डालती थी और फिर चटनी बनाती थी, लेकिन ना जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरे हस्बैंड है ना, ये इनको खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं डालने देते थे, डर के मारे कि ये बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। लेकिन एक दिन ना मैंने चोरी से बस 2 चम्मच डाल दिए थे, उसके बाद चटनी बनाई, तो इनको चटनी बड़ी टेस्टी लगी, मुझे बहुत टेस्टी लगी, और तब से फिर मैं यही रेसिपी बना रही हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है गाइस। अच्छा, अनारदाने को ना हमने अच्छे से वॉश कर लेना है, क्यों, क्योंकि ये गांव में बना होता है और ये इसको धूप में सुखा के बनाते हैं, पूरा मतलब बाहर एरिया में सुखाते हैं, तो डस्ट बस इस पर पड़ गई होती है, तो इसको अच्छे से 2-3 बार आप साफ़ कर लें, ठीक है। सो, ये देखो मैंने इसमें डाल दिया है पुदीना, धनिया, और ये अनारदाना, हरी मिर्च, नमक, और ये जी आगे लहसुन। अब मैं सबको इकट्ठा ग्राइंड कर दूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो, ये देखो गाइज, मैंने ग्राइंड कर ली है और मेरी हरी चटनी बनके रेडी हो गई है, और अभी मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में, मतलब एक कंटेनर में डाल के। सो गाइज, बस इसको मैं ना इसमें डाल के रख देती हूँ, तो इतनी सारी मेरी बन जाती है। आप सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल थोड़ी सी है, ये कैसे इसको इतने हफ्ते कैसे चलाती है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, इसमें जैसे 1 स्पून इसका लेती हूँ और 1 स्पून दही लेती हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालती हूँ, और ये बहुत वन ऑफ दी, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत यम्मी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। सब्ज़ी के साथ आप इसको चावल के साथ खाओ, चिकन के साथ, तंदूरी चिकन के साथ खाओ आप इसको। ये देखो गाइस, इसमें ना मैंने मतलब 2 चम्मच दही डाली है और 2 चम्मच चटनी के डाल दिए, और ये देखो है ना पूरी रेस्टोरेंट वाली।
और इसमें हमें डालना है थोड़ा सा, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे, ब्लैक सॉल्ट। मतलब ब्लैक सॉल्ट का भी बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है गाइस, फ्लेवर भी आता है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है। तो इतना सा मैंने इसमें, इतना मतलब जितना भी टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने दही ऐड करा है तो नमक थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो बस आपने इसमें ये ब्लैक सॉल्ट भी डाल देना है और हमारी ग्रीन चटनी बन के रेडी हो गई। बहुत ही ज़्यादा यम्मी डिलीशियस अच्छी होती है गाइस ये। अच्छा गाइस, मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी, मैंने ये लिए हैं डब्बे और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे, मतलब मैंने मीशो से लिए थे ये, और ये देखो इतनी कम स्पेस इन्होंने लिए है, इतनी सारी इसमें चीज़ें आ जाती है, मतलब 1.5 लीटर की कैपेसिटी है इसकी। और मेरा फ्रिज छोटा था ना, तो मेरे ना मतलब एकदम ऐसे बिखरा बिखरा हो जाता था यहाँ पे सामान पूरा, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, मतलब मैं रुक नहीं सकी बताने के लिए आपको। मतलब जिसका भी छोटा फ्रिज है और जो बड़ा फ्रिज लेने के प्लान में भी नहीं है, और वो ये वाले डब्बे ले लें, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और 305-6 के मुझे मिल गए थे ये मीशो से गाइस। ये मैं आपको इसका ना लिंक भी डाल दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आज मैंने ना टमाटर की चटनी भी बनानी है, मतलब ये मेरी मोस्ट फेवरेट चटनी है। मेरी ना जो नानी माँ इन लॉ है ना, वो बनाती है ये वाले टमाटर की चटनी, और ये बहुत ज़्यादा यम्मी होती है। बस आज मैं ये भी बनाऊँगी और दो दो चटनियाँ हो जाएंगी, मतलब एक हफ्ते के लिए आराम से मेरा काम हो गया चटनियों का। तो बस अब मैं ये भी बना लेती हूँ जल्दी से। और यहाँ पे गाइस, मैंने कल सुबह के लिए, मैंने कल सुबह बनाने हैं गोभी के परांठे, तो मैंने यहाँ पे गोभी कट करके रख लिया है और ये आलू बॉईल करके रख दिए। इसमें मैं डालती हूँ हरी मिर्च, गोभी, आलू और थोड़े से 4-5 लहसुन के पीसेस। और यहाँ पे ना मेरी गोभी पराठा की फिलिंग जो है वो ग्रेट होके रेडी हो गई थी, और इसमें मैंने ना जस्ट ऐड करा था क्या, ये लाल मिर्च वो जो आपको दिख ही रही है, हल्दी वो भी आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही है बीच में, और मैंने डाला था नमक। आप इसमें धनिया भी डाल सकते हो, लेकिन मैं धनिया नहीं डाला क्योंकि मेरा सारा धनिया मैंने ना धनिया चटनी में डाल दिया था, तो मैं भूल गई थी एक्चुअली कि मुझे बाद में ये धनिया पराठा के लिए फिलिंग भी तैयार करनी है, तो मैं भूल गई थी, तो मैं रह गया। और मुझे पता है सुबह सुबह कोई नहीं लाएगा कल मॉर्निंग में, तो मैंने बोला चलो जिसको मिक्स कर लो अभी ऐसे ही। और बस ये मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे, और साथ में गाइज हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। और ये मेरा इस साल का फर्स्ट व्लॉग है, और आपने मुझे पिछले साल बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच गाइज। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको शो हो जाए। और अब यहाँ पे मेरी टमाटर की चटनी भी बनके रेडी हो गई थी, और बिलीव मी गाइस, ये चटनी इतनी कोई डिलीशियस होती है, टेस्ट में तो डिलीशियस होती है, और जब ये घर में बनती है ना, इसका अरोमा इतना मज़े का होता है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको, मतलब आपको भूख लग जाएगी, आपका मन कर जाएगा खाना खाने का, इतना मस्त इसका अरोमा होता है। और बस जी, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल।